नमस्कार मित्रों, संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, आज टेट का पेपर था और उम्मीद करते हैं आप सभी ने बहुत अच्छे से किया होगा। और संस्कृत को हमने थोड़ा सा लेट शुरू किया था, लेकिन हमने जितनी भी वीडियो बनाई हैं अब तक, उसमें लगभग 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाने चाहिए। क्योंकि 25 क्वेश्चनों तक, क्योंकि उसमें तृतीय विभक्ति है, समास हैं, इनको हम अभी नहीं पढ़ा पाए हैं, लेकिन जितने भी हमने वीडियो डाले हैं उनमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपके अगर देखी होंगी तो आप अवश्य सही हो गई होंगी। और मैं इसको सरल करने का, इसको हल करने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ 61 प्रश्न है। कौन ह्रस्व नहीं है? लिर, रिर, उ, ओ। तो इसमें जब संज्ञा प्रकरण चल रहा था उसमें हमने बताया था ओ, ए, ऐ, ओ, औ, ये चार होते हैं, इनको ह्रस्व नहीं होता, अर्थात इसमें चौथा ठीक है। 62वां प्रश्न है। सहयुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? सह, साकम, समम, सार्धम, ये तृतीय विभक्ति में होता है, तो ये इसमें तृतीय विभक्ति सही होगा, प्रथम। बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। एचो आयवा या वा एक सूत्र है जिसमें अयाद संधि होती है, उसके द्वारा बालकौ धन अपि, दूसरा वाला इसमें जो विकल्प है वो बिल्कुल ठीक होगा। बगुले को संस्कृत में कहते हैं बकाह। बगुले का सीधा संस्कृत जो है वो बका है, अर्थात 64 का तीसरा वाला जो विकल्प है वो ठीक है। 65 में हरये क्रुध्यति, क्रुध के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और चतुर्थी में चतुर्थी संप्रदान सूत्र से संप्रदान हो जाता है, तो 65 का प्रथम सही है, विकल्प जो है सही है। अस्मद शब्द का 66वां प्रश्न है। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है, इसमें नहा होगा, क्योंकि हम, आवाम, वयम, ये रूप चलते हैं, उनमें कुछ विकल्प में भी हैं, इनमें अलग से विकल्प में कुछ शब्द रूप दे रखे हैं उसके, अस्मद के, तो नहा 66 का जो तीसरा है नहा, वो बिल्कुल सही है। 67 का रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप होगा, रमायी, इसका रूप होगा रमायी, इसमें प्रथम वाला जो है वो सही है। 68 में पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा पितरी। 79, 69 ए इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, तो प्रत्याहारों के जरिए यदि देखेंगे आयुन, ऋलक, ए, ओंग, इसमें जब सूत्र याद करते थे हम, या माहेश्वर सूत्रों में जब चलेंगे तो इक के अंतर्गत ई, ऊ, रिर, लिर, ये जो प्रथम है वो एकदम से सही है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है, तो 70 का दूसरा वाला जो विकल्प है वो ठीक है। इसमें जो डा का उच्चारण स्थान क्या है, ये डा है, ङा नहीं है, कुछ लोग ङा कर रहे हैं, यदि ङा करेंगे तो अकुह विसर्जनम कं से कंठ हो जाएगा, ये डा है, तो ऋट शाणा मूर्धा टा ठा डा ढा, तो इसका विकल्प क्या होगा, 71 में का चौथा जो नंबर है वो विकल्प के रूप में बिल्कुल सही है, अर्थात इसका मूर्धा हो जाएगा। चोर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? चोरात भयम, इस तरह से इसका समास विग्रह होगा और ये पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आएगा। 73 में पितृन शब्द में विभक्ति और वचन है, ये बिल्कुल पिता का है, उधर भी पिता का पूछा था सप्तमी का, और ये पूछा है पितृन, पितृन में पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन, इस तरह से इसका रूप होगा, द्वितीय का बहुवचन। 74 का नद्यः शब्द में विभक्ति और वचन है, नदी, नद्यौ, नद्यः, प्रथमा का बहुवचन, तो इसमें 74 में प्रथम ठीक है, प्रथमा का बहुवचन। 75वां षण्वति ही हिंदी संख्या का बोधक है, इसको हमने विशेष रूप से दर्शाने का प्रयास किया था 16 को और 96 को, क्योंकि 16 षोडश होता है और 96 षण्वति होता है, तो पहले ही बताया था कि इसको ध्यान रखना, कि ये ज्यादातर परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका तीसरा वाला जो विकल्प है 96, ये बिल्कुल सही है।
क्षेत्र में भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है, तो लोट लकार का यह प्रयोग किया गया है। भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत, इस तरह से लोट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का ये रूप है। तो क्षेत्र का चौथा जो विकल्प है बिल्कुल सही है। 77 सर्वनाम शब्द नहीं है। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, तो अपि ये किसी भी संज्ञा के बदले नहीं बोला जाता, ये अव्यय के अंतर्गत आता है। तो अपि जो है 77 का प्रथम, ये सर्वनाम नहीं है। 78 स्वस्ति पद के योग में प्रयोग किए जाने वाली विभक्ति है, तो यहां स्वस्ति जो शब्द है वो नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा वसड योगा के योग में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है, और इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो 78 का दूसरा चतुर्थी बिल्कुल सही है। 79 कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार हैं बाणभट्ट, ये बिल्कुल सही है बाणभट्ट। 79 का तीसरा, 80 का महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है, इसमें एक शब्द का बहुत प्रयोग किया गया नाटक। कालिदास की चारों हैं जो पुस्तक हैं वो कालिदास ने ही लिखी है, लेकिन नाटक कौन सा है, इसलिए जब हमने इसको संस्कृत साहित्य में बताया था तो तीन प्रकार से वीडियो बनाई थी, कथा को अलग रखा था, महाकाव्यों को अलग से समझाया था, और नाटक प्रकरण के बारे में, नाटकों के बारे में हमने अलग से बताया था। तो नाटकों में मालविका अग्निमित्रम जो नाम है वो नाटक के अंतर्गत आता है। तो 80 का ये प्रथम बिल्कुल सही है। अब देखिए 81 व्यंजन संधि का उदाहरण है। पहला है इसमें सज्जनहा, इसमें सूत्र प्रयोग किया गया है इस्तो सूचना सुचु, इसके द्वारा ये प्रयोग हुआ है, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी पहले में 81 का प्रथम। 82 है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है, अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसमें वयम जो शब्द है वो उत्तम पुरुष से संबंधित है, अर्थात 82 का प्रथम बिल्कुल सही विकल्प है। आगे देखिए 83 धृ धातु से कृत्रिम प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है, धृति धृति ही इसका बनेगा, धृति ही कृति ही, ये शब्द हैं तिकारांत वो कृत्रिम प्रत्यय से ही बनते हैं, तो 83 का प्रथम जो है वो बिल्कुल ठीक है। 84 में छंदा अनुगत शिक्षण प्रणाली होती है जिसमें छंद प्रयोग किए जाएं, वो कौन सी प्रणाली होती है, व्याकरण तो होती नहीं, क्यों, व्याकरण अलग से एक विधा है, व्याकरण गद्य में प्रयोग की जाती है, गद्य में अलग से प्रयोग की जाती है, व्याकरण ही प्रयोग होती है, कथा एक तरह से गद्य ही होता है, इसमें पद्य है जो विकल्प है जिसमें श्लोक होते हैं उसमें ही छंदों का प्रयोग किया जाता है, तो 84 का जो दूसरा है पद्य बिल्कुल सही विकल्प है। 85 शुद्ध वाक्य है, अहम ग्रहम गच्छति, अहम के साथ में क्योंकि उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष की क्रिया होगी, गलत है, सह ग्रहम गच्छसि, सह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष है, इसके साथ में प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष की क्रिया होगी, ये भी गलत है। त्वम ग्रहम गच्छति, ये भी बिल्कुल गलत है। त्वम ग्रहम गच्छसि, ये विकल्प बिल्कुल सही है। तो 85 का चौथा विकल्प बिल्कुल ठीक है। 86 में वने अप पदे कह संधि, तो पूर्व संधि होती है, इसको हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया था, तो इसमें एस आकार का चिन्ह बन जाता है आ की जगह, ये हमने बताया था ह्रस्वकार होता है, तो इसकी संधि होगी वने धन अपि। तो 86 का तीसरा जो विकल्प है पूर्ण रूपेण सही है। 87 नीति मार्गम के ना परिलंघति, जो नीति के मार्ग होते हैं उसका उल्लंघन कौन नहीं करता है, तो कुलीन जो लोग होते हैं, जो भद्र होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो कभी भी नीति के मार्ग को नहीं लांघते, तो इसमें 87 का प्रथम विकल्प बिल्कुल ठीक है। 88 में तत्रैव में संधि है, वृद्धि संधि, ठीक है, तत्र धन एव, इस तरह से इसकी संधि विच्छेद हो जाता है। 88 का प्रथम विकल्प बिल्कुल ठीक है। 89 संस्कृत में अयोग वाह वर्णों की संख्या है, तो ये थोड़ा सा विवादास्पद भी मान सकते हैं, क्योंकि छोटे स्तर पर कुछ और है और जब हम बड़े स्तर पर चले जाते हैं तो उसमें कुछ और व्यवस्था दी गई है, तो यहां पर हम छोटे प्राइमरी के स्तर पर हैं, तो प्राइमरी के स्तर के हिसाब से इसमें
चार जो नवासी है उसका जो तीसरा विकल्प है चार वो बिल्कुल ठीक है। नभ्य अनुरूपम में समास है, ये अव्यय जब पद आ जाता है तो वो अभिभाव के अंतर्गत हो जाता है। इस तरह से ये जो प्रश्न थे हमने उसका उत्तर देने का प्रयास किया है, और आप अच्छे से देख करके उसमें अपने विकल्प में देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।